गुड आफ्टरनून श्रद्धा मैम, कब से शेयर बाजार में आप हो और आपकी पहली क्वेरी क्या है? मैं 6 महीने से ट्रेडिंग कर रही हूँ। मैंने मझगांव डाक के 930 रुपये में 500 शेयर लिए हुए थे, इस पे मैं 350 रुपये से ट्रेडिंग कर रही हूँ सर। मतलब जब इसके रेट 350 थे तब से। तो मल्टीपल टाइम्स खरीदा बेचा, बढ़िया कमा के दिया मझगांव डॉक ने, इस बार जब लिया तो मामला गड़बड़ा गया है ना? काफी अच्छे दिए सर इस शेयर ने मुझे, तो अब क्या करना चाहिए, मैं होल्ड भी कर सकती हूँ। ये जो मल्टीपल टाइम्स आपने मझगांव डॉक में कमाया, क्यों मझगांव डॉक में? आप चार्ट देखते हो, आप फंडामेंटल्स देखते हो या अपनी मन की करते हो? नहीं सर, डिफेंस सेक्टर का शेयर है, अच्छा लगता है मुझे ये वाला सेक्टर, इसलिए मैं। अच्छा सेक्टर है, अच्छा शायद स्टॉक है, मल्टीपल टाइम्स ट्रेड करके ट्रेड ग्रिप में था, इस बार मामला ये सब ठीक है, ये तो मैं पूछ लूंगा। महाकाल कॉरिडोर बहुत अच्छा बनाया गया, बहुत अच्छा बना हुआ है, एक बार जरूर देखिए सर। हाँ आना है, बिल्कुल आना है। अभी तो पार्शली इनॉग्रेट हुआ है ना, अभी तो और भी काम हो रहा है ना इस पे? अभी तो 50% काम हुआ है, काफी काम चल भी रहा है, बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। हाँ, बहुत तारीफ। राजेश सर कब चलना है अपने को? यस सर, कहो तब चलते हैं, इसी वीकेंड चलते हैं। हाँ, लंच का तो श्रद्धा जी के घर पे सेट हो गया अपना, डिनर देख लेंगे अपन दोनों कहीं। चलिए, लेकिन राजेश सर, मझगांव डॉक डिफेंस की कंपनी अच्छी लगती थी, कमा के दिया, अभी फंस गया मामला। डेढ़, हाँ कुछ कह रहे हो सर आप, 150 रुपए नीचे, ये भी बताइएगा। हाँ, मैं कह रहा था बाकी डिनर के लिए अपने इंदौर चले जाएंगे, बगल में ही है। खैर, मझगांव डॉक पे आते हैं। डिफेंस की कंपनी आपने सही कहा, ऐसा शिपयार्ड है जो डिस्ट्रॉयर्स वगैरह बनाता है और अकेला ऐसा है जो इंडियन नेवी के लिए बनाता है। ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, 42,000 करोड़ की है, जो कि लगभग 6 गुना है एनुअल रेवेन्यू की, जो कि अर्निंग्स विजिबिलिटी बहुत क्लियरली दिखा रही है। और जिस तरीके से सरकार का मेक इन इंडिया पे पुश है, और ये भी उम्मीद की जा रही है कि इस बार के बजट में डिफेंस के लिए कुछ एलोकेशन बढ़ता हुआ नज़र आएगा, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे भविष्य की ओर इशारा कर रही हैं। लेकिन ये जो करेक्शन आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि नीचे से बहुत अच्छा रन अप दे चुका था, इसलिए थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। मैं समझता हूँ अगर कोई 1.5 साल का नज़रिया लेकर के इसमें निवेश भी करे आज की डेट में भी, तो एक अच्छा रिटर्न आ सकता है, बिल्कुल बनी रहने की सलाह रहेगी। बन रही है मैम, आपने लिया था ट्रेडिंग के लिए, लेकिन अब थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, आपकी बाइंग से नीचे आ गया। लेकिन अच्छी बात यह है, जिसपे ट्रेड कर रहे थे वाकई फंडामेंटली कंपनी अच्छी है।